फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के यमुना बिहार के एक घर पे हुई फायरिंग के मामले में दो अलग अलग सीसीटीवी सामने आई तस्वीर आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला का भजनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना बिहार C10 है। यहाँ पर एक स्कूटी पर दो अज्ञात बदमाश आए थे और दोनों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जहाँ इलाके में जो सनसनी का माहौल है देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग क्यों हुई, जिनके घर पे फायरिंग उनका कहना था कि हमें कुछ नहीं मालूम और हमारे किसी भी कोई रंजिश नहीं थी। जो इस मकान पे सीसीटीवी नज़र आ रहे हैं, इस सीसीटीवी एंगल का एक सीसीटीवी आया हम आपको दिखाने जा रहे हैं और दूसरा जिस घर पे लगातार फायरिंग हुई थी उधर से भी आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक स्कूटी पर दो लोग आते हैं और पहले चारों तरफ देखते हैं, उसके बाद एक के बाद एक फायरिंग करने लगते हैं। ये वो सीसीटीवी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्कूटी रुकती है और पहले देखते हैं और जो स्कूटी का जो पीछे जो जो आरोपी बैठा है वह फायरिंग करने लगता है। हालांकि कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल पर भी एक व्यक्ति आता है जो उनसे बात करता है, मगर साफ देख सकते हैं कि लगातार फायरिंग हो रही है। वही हम आपको दूसरे एंगल से आपको दिखा रहे हैं, ये स्कूटी पर आते हैं जो हमने आपको पहला जो दिखाया था वो गली का है, ये दूसरी वाली साइड का हम आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार फायरिंग करते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। बहरहाल ये कौन आरोपी थे और कहाँ से आए थे, क्या इनका मकसद था, ये भी पता नहीं चल पाया। बहरहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के DCP डॉक्टर जॉय एन टिर्की के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं पूरे क्षेत्र के, जिनसे पता चल सके कि आखिरकार ये दोनों आरोपी कौन थे। हम बता दें कि बृहस्पतिवार की रात तकरीबन 11:08 पर आते हैं और 3 से 4 मिनट ये रुकते हैं। बहरहाल इलाके में सनसनी का माहौल है, लोग दहशत में कि आखिरकार कहां से आए ये लोग, कौन थे और क्यों आखिरकार इन्होंने फायरिंग की।